हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 11, जिसमें पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रीसोल्ड एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा और क्या कहते हैं देहली ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रीसोल्ड एनर्जी बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में कितने बार पूछा गया है, ठीक है? तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसके डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा, इसके एग्जांपल को याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर मॉलिक्यूलरिटी नहीं देखे हैं तो उससे भी 2 या 3 मार्क्स हर बार आता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लेक्चर नंबर 10 जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? थ्रीसोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रीसोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रीसोल्ड एनर्जी क्या होता है? जब टक्कर को प्रभावी टक्कर बनाना है, कोलिजन को क्या बनाना है, इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए, ठीक है, टक्कर को प्रभावी टक्कर बनाने के लिए, यानी कि जो अणुओं के जो प्रभावी टक्कर जो टक्कर होते हैं उसको प्रभावी बनाना है। मान लीजिए कि तो परिवार में झगड़ा हो रहा है, परिवार में फैमिली में झगड़ा कला हो रहा है अलग होने के लिए, अब ऐसा झगड़ा हो कि परिवार में बंटवारा हो जाए तो हुआ इफेक्टिव झगड़ा हो गया, प्रभावी। आएगो झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, मतलब जो भी चीज हो रहा है अलग हो रहा, तो क्या वो झगड़ा इफेक्टिव हुआ? मान लीजिए कि दोनों में खूब दोस्ती है, रिद्धि में और जीरा में, ज्योति में, और सुप्रिया चाहती है पूरा अलग करना, तो कुछ झगड़ा वगड़ा लगाएगी, गलत फहमी डालेगी, तो ऐसा झगड़ा लगाए कि दोनों अलग हो जाए। अब झगड़ा लगा रही है फिर दोनों अलग हो रही है तो क्या इफेक्टिव हुआ ये? तो ऐसा टक्कर, उस टक्कर को हम क्या करेंगे, इफेक्टिव टक्कर बनाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए जो न्यूनतम मिनिमम से मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को बोलते हैं थ्रीसोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रीसोल्ड एनर्जी। और वो है एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रीसोल्ड एनर्जी समझ में आया? कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनाने का, इफेक्टिव कोलिजन समझ में आ गया क्या होता है? अरे भाई हम समझ, हमको हम यहाँ पर है केमिस्ट्री में, यानी अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए, अभिकारक को, तो अभिकारक में क्या होगा, टक्कर होगा, कोलिजन होगा। अभिकारक क्या? मॉलिक्यूल्स, आयन और एटम्स। मॉलिक्यूल्स, आयन और एटम्स में क्या होंगे? कोलिजन होंगे। अब कोलिजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, तभी तो उत्पाद बनेगा। अब कोलिजन हो गया रहा, उत्पाद बन गया रहा, तो क्या प्रोडक्ट बन गया रहा, तो कोलिजन में से फायदा है, तभी हम क्या बोलेंगे कि कोई परिवार में बंटवारा होने के लिए झगड़ा हो रहा है, बंटवारा करना झगड़ा हो रहा है, फिर सांसद जोड़ी है, तो भाई उस झगड़ा में इफेक्टिव नहीं हुआ, ऐसा झगड़ा हो कि बंटवारा हो जाए क्या, तो क्या हुआ इफेक्टिव। भाई हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि एक रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक का जो ऊर्जा है, रिएक्टेंट का एनर्जी है, वहां से किसी भी अभिक्रिया को, एक मान लीजिए अभिकारक है, अभिकारक से क्या प्रतिफल, तो अभिकारक का यहाँ ऊर्जा है, रिएक्टेंट का एनर्जी है, उससे कहां पर थ्रीसोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने में जो ऊर्जा लगता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एनर्जी से, रिएक्टेंट एनर्जी मतलब क्या, अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक होगा ना भाई, H2O2 से H2O बनता, तो यहाँ का ऊर्जा, रिएक्टेंट का ऊर्जा जो आप लोग भी समझे दो ध्यान से, अभी लिखा हुआ समझ आ जाएगा, रिएक्टेंट के एनर्जी से कहां पहुंचाना है, थ्रीसोल्ड एनर्जी तक, जो पहुंचाने में जो ऊर्जा लगता है उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक और डिफिनेशन है कि जो अभिक्रिया को जो शुरू कराने में जितना ऊर्जा लगता है, किसी भी अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने में, इनिशिएट कराने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रीसोल्ड। समझ में आया कि टक्कर को इफेक्टिव टक्कर बनाने में जितना ऊर्जा लगता है उसको कहते हैं थ्रीसोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया कि जो एक भाग क्या रिएक्टेंट ऊर्जा है, रिएक्टेंट का भी कुछ अपना पास ऊर्जा होता है, तो रिएक्टेंट ऊर्जा से लेकर के कहां तक है, थ्रीसोल्ड ऊर्जा तक, जो वहां तक जो पहुंचा दे उत्पाद को बनाने में, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ऐसे समझ में नहीं आया, आइए एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं H2 है, ये क्या है, अमर भाई यहां ध्यान देना, H2 है, I2 क्या बनेगा, 2HI।
इसमें किसी को दिक्कत? ये क्या है? अरे बोलो ना भाई, ये क्या है? रिएक्टेंट है, मतलब हिंदी में कहे तो अभिकारक। ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? मतलब हिंदी में कहे तो प्रतिफल भी कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद भी कहते हैं। यहां पर H2, सुनिए H2 इस प्रकार होगा, ऐसा बॉन्ड में। I2 कैसा होगा? ऐसा बॉन्ड में होगा कि नहीं होगा? अब सुनिए, यहां से H हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा? पहले तो कोलिजन करेगा, धमाधम एकदम सटीक कोलिजन करेगा ये दोनों H2 और I2। H2 I2 क्या करेगा? सटीक कोलिजन। अब कोलिजन कराने में, कोलिजन तो होबे करेगा, हो सकता है कि H2 I2 से 2HI ना बने, लेकिन हमको क्या करना? बनाना है कोलिजन को, क्या बनाना? इफेक्टिव कोलिजन, जिससे अभिकारक से क्या बन जाए? उत्पाद बन जाए। बात समझिएगा ध्यान से, H2 है I2 है, H2 और I2 है, तो ये भाई दोनों टक्कर करबे करेगा, ये दोनों तो टक्कर करेगा उत्पाद बनाने के लिए। अब टक्कर किया, कहीं उत्पाद नहीं बना, तो हम थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होता है कि इस जो टक्कर करेगा उस टक्कर को इफेक्टिव टक्कर बनाने के लिए क्या करेगा? कुछ ऊर्जा दे देगा, कुछ ऊर्जा दे देगा, उसी ऊर्जा क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड मतलब दहली ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी टक्कर तो बड़े करेगा, लेकिन टक्कर को इफेक्टिव टक्कर बनाने के लिए, मान लीजिए दो परिवार में झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा हो कर ही बंटवारा नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना, तो तीसर का घर बनाएगा, खूब नून तेल मिर्चा सुबह लगाएगा कि भाई ये है वो है, खूब चढ़ाएगा उसको, खतरनाक मार कर करवाएगा ताकि अलग हो जाए। अब ये कोई एग्जाम्पल बता रहा है, तू कहा? तो इसको क्या करेगा, जब टक्कर मारेगा ना, सुन, जब ये दोनों टक्कर करेगा तो भाई साहब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो कमजोर हो जाएगा और टूटने लगेगा। आई और आई का जो बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड जो है, वो टूटने लगेगा, कमजोर हो जाएगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन और किसका? हाइड्रोजन और किसका? आयोडीन का। तो हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बना, हाइड्रोजन और आयोडीन का क्या बना? बॉन्ड बना। और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया? एच आई एच आई एच आई, क्या बन गया? एच आई। समझ में आया? हाँ। यहाँ भी तो कुछ न कुछ इसका एनर्जी रहा होगा, यहाँ भी कुछ न कुछ इसका एनर्जी रहा होगा, तो यहाँ से अभिकारक के ऊर्जा से लेकर के कहाँ तक के थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जो ऊर्जा लगेगा पहुंचाने में, इस अभिकारक को पहुंचाने में, इस अभिकारक को जो थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक लेके जाएगा, जो ऊर्जा जितना एनर्जी लगेगा, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? और ये जो कोलाइड करेगा उसको जबरदस्त कोलाइड कराने के लिए जो ऊर्जा लगेगा उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा, मतलब इसी को इफेक्टिव कोलाइड बना देगा। नहीं समझ में आया? ग्राफ समझाते हैं। समझ में नहीं आया तो ग्राफ समझाते, सुनो, कैसे नहीं आएगा समझ में? ये सुनो, ये दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहां पर, यहां आपके पास क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत? यहां क्या है? अब रिएक्टेंट से क्या बनेगा? कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के बाद क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां से क्या होगा? रिएक्टेंट पर से यहां आ गया, इस एकदम मैक्सिमम पर, ठीक है? तो यहां से यहां आ गया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड, इसको हम लोग यहां पर जो बनेगा ना उसको हम लोग मध्यवर्ती बोलते हैं, मध्यवर्ती मिडिल टर्म, उसको मध्यवर्ती बोलते हैं। यहाँ इनिशियल, यहाँ मध्यवर्ती, और गंगा आगे जाके क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? और यहाँ क्या है? आर।
आर मतलब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है। यहां से सुनिएगा भाई, सुनो ध्यान से, यहां से ये जो पॉइंट पर आए, क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रीसोल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, ईटी बोलते हैं, यहां वाला ऊर्जा को ईआर बोलते हैं। आ यहां बन के तैयार हो गया क्या प्रोडक्ट, क्या बन के तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया। अब सुनो जाओ भाई, यहां से यहां तड़का बढ़िए, भाई साहब दिखाई दे रहा है कुछ, ये अभिकारक का ऊर्जा है, बुखार लगा देने मार दिया, ये क्या समझो ना भाई, बहुत को नहीं समझ में आता, एकदम इजी में समझा रहे, तुमको समझा ये पॉइंट को, तुम कहीं भी देख लेना, बहुत मतलब दिक्कत, दसों बार देखेगा तो समझ से बाहर होगा, हम एक बार में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो यहां पर। ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है मतलब रिएक्टेंट के ऊर्जा से प्रोडक्ट का ऊर्जा क्या हुआ, कम गया। रिएक्टेंट में जितना ऊर्जा था प्रोडक्ट में ऊर्जा उतना कम गया, इससे कमा कि नहीं कमा, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहां से यहां तक का जो डेल्टा एच था वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्या हो गया, कम गया। तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं गया होगा, ऊर्जा गया होगा बाहर, ऊर्जा गया होगा, ऊर्जा निकलने को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया। अब कहिएगा सर आप जो बोले थे थ्रीसोल्ड एनर्जी, आप बोले थे एक्टिवेशन एनर्जी, वो सब है कहाँ, वो सब मेला में हिलाते हैं पकड़ के। सुनिए क्या है थ्रीसोल्ड एनर्जी, अभिकारक जो था इसको कोलिजन कराने के लिए, कोलिजन जो हो रहा था इसमें जो टक्कर हो रहा था ये अभिकारक में, इस अभिकारक में जो टक्कर हो रहा था हाइड्रोजन और आयोडीन में जो टक्कर, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए ऐसा टक्कर, जो ऐसा टक्कर उसको मरवाएंगे कि एक पार बनाइए कदम लेगा, तो उसको करने के लिए ऊर्जा जो लगाई इतना लगा ऊर्जा, तो इसको बोलेंगे क्या थ्रीसोल्ड एनर्जी, क्या बोलेंगे। अब सुनिए हमने क्या कहा कि क्या बोला था, रिएक्टेंट के ऊर्जा से थ्रीसोल्ड के ऊर्जा तक अभिकारक को जो ऊर्जा पहुंचा देगा, जितना ऊर्जा, जितना मिनिमम ऊर्जा वहां तक अभिकारक जो है वो यहां से लेकर के यहां तक पहुंच जाएगा, उसको क्या कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ईए, क्या कहेंगे ईए एक्टिवेशन, कोई दिक्कत, ईए को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ईटी को थ्रीसोल्ड एनर्जी, ईआर को रिएक्टेंट एनर्जी और ईटी को प्रोडक्ट का एनर्जी, कोई दिक्कत। यहां से भी क्रिया अभिकारक गया, धीरे धीरे गया, यहां पर पूरा खतरनाक हुआ, अब धीरे धीरे क्या बनना शुरू हुआ, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। अब यहां से देखिए रिएक्टेंट का जो ऊर्जा था, रिएक्टेंट उससे प्रोडक्ट का ऊर्जा क्या हो गया, कमा कि नहीं कमा, तो कमा तो भाई क्या कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकला होगा, ऊर्जा बाहर निकला हो, ऊर्जा जब बाहर निकलेगा तो भाई क्या होगा, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक अच्छा एंडोथर्मिक प्रोसेस भी देखिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखिए, ठीक है। यहां क्या आप समझ में आ गया, यहां क्या है भाई रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक है, यहां क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, क्या बन गया यहां पे प्रोडक्ट, देखो जाए यहां, यहां से यहां तक इस पर क्या हुआ, रिएक्टेंट के ऊर्जा इतना है, रिएक्टेंट के ऊर्जा से प्रोडक्ट का जो ऊर्जा है ईपी जो है वो ज्यादा है, ज्यादा है मतलब क्या हुआ होगा,
मतलब एंडोथर्म में जिसमें ऊर्जा ग्रहण किया होगा, और ऊर्जा कौन दिया होगा तो हम लोग अभिक्रिया करा, अभिकारक करा, अभिक्रिया कराने के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए ऊर्जा जो है बाहर से हम लोग दिए होंगे, बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा तब ये ऊर्जा प्राप्त करके थोड़ा ऊपर आया, ठीक है। यानी एंडोथर्म का मतलब ये ऊर्जा ग्रहण किया, ऊर्जा दिया कौन था हम लोग, ये क्या भाई आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। बोलिए इसको क्या बोलिए, यहां से यहां तक के क्या बोलिए, ई ए बोलिए, कोई दिक्कत, एक्टिवेशन एनर्जी आया समझ में क्या, कोई दिक्कत इसमें, इसको क्या कहेंगे भाई, और यहाँ डेल्टा एच लिख देते, यहाँ डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, अंदर जा पॉजिटिव है, यहाँ पर कौन हुआ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब उष्मा शोषी प्रक्रम या प्रक्रिया, प्रक्रम या समझ गए भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डिफिनेशन एक बार में याद हो जाएगा क्या, अब डिफिनेशन लिखा दिया जाए, अब तो हम लोग डिफिनेशन पूरा कर चुके हैं, अब जो दो नंबर बोर्ड में आता है कैसे लिखना है वो देख लीजिए, और लिखना है तो कहीं बना बना दीजिएगा, चलिए डिफिनेशन क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी का सुनिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी टक्कर को क्या करना है, प्रभावी बनाने के लिए टक्कर करने वाले अणुओं की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मतलब अणुओं कुछ ना कुछ तो न्यूनतम ऊर्जा लगने करेगा भाई, जो टक्कर हो रहा है उसको आवश्यक मतलब इफेक्टिव टक्कर बनाना, प्रभावी टक्कर बनाने के लिए अणुओं को कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लगेगा, और उसी ऊर्जा क्या कहेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, ये क्लियर हो चुका है, ये तो सिर्फ यहाँ डिफिनेशन था, वहां तो पूरा फिल्म चल चुका है, ट्रेलर चाहिए के कोई दिक्कत, ये समझ गए, थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको बताने की। पहली एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, रिएक्टेंट एनर्जी को कहां तक पहुंचा दे, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। दूसरा ही बताए थे कि अभिक्रिया को और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करा देना, स्टार्ट करा देना, इनिशिएट करा देना, उसको क्या कहेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई साहब लिख लीजिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टू अटेंड कहां, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो रिएक्टेंट जो होता है मतलब कम से कम ऊर्जा में, वो न्यूनतम ऊर्जा जिसमें जो रिएक्टेंट ऊर्जा होता है अभिकारक का ऊर्जा कहां तक पहुंचा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक, उसको क्या कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। वो न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को दहली ऊर्जा तक पहुंचा दे, दहली ऊर्जा प्राप्त करने में आवश्यक होती है, ठीक है। दहली मतलब थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक पहुंचा दे, थ्रेशोल्ड ऊर्जा प्राप्त करने में क्या होती है, जरूरत होती है जिस ऊर्जा का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो दिक्कत एवार है। दूसरा वह न्यूनतम ऊर्जा जो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होता है, वह न्यूनतम मतलब मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो किसके लिए रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए आवश्यक होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये समझ में आ गया, हम लोग यहां से भी देख लीजिए, समझ गए सब, सबसे बड़े तो ग्राफ से समझ में आएंगे, किस ग्राफ से, रिएक्टेंट एनर्जी है, यहां से कहां तक जाना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्राप्त करना है, तो क्या उसको क्या कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट तो कोलिजन करेगा करेगा, तो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसको क्या कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस अणु को कोई भी अणु उसमें होगा उसको तो भाई इफेक्टिव बनाना ही ना पड़ेगा, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको क्या कहेंगे, हाँ रिएक्टेंट के पास अपना कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है, देख रहे भैया अपना कुछ ना कुछ ऊर्जा है कि नहीं, रिएक्टेंट के पास अपना भी ऊर्जा है कुछ, कोई दिक्कत इसमें आए, वो यहाँ का एक्सोथर्मिक है वो, मतलब इसी में समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही समझ में आया आपको, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी कार्य डिफिनेशन लिखना होता है एग्जाम में भाई, हाँ कुछ देर आ जाए डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच का मान तो बता दीजिएगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में, ठीक है। अच्छा ई का मान किसमें ज्यादा होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में, चलो किसका E-A-E-A. दोनों का बराबर होता है, अरे ई ना नीचे ऊपर करता है, ई तो वही रहेगा, उतना ही रहेगा,
इसमें जो एनर्जी का मान जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का ऊर्जा थोड़ा इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसमें ऊर्जा क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा इससे, ठीक है। एंडोथर्मिक ऊर्जा का थोड़ा डिफरेंस होता है। चलिए भाई, ये था हम लोगों का ना, उतार लीजिएगा। अगले दिन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रेडिएशन, आज ही पढ़ाते, लेकिन उतारना भी है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होता है, अगर फंसता है कहीं भी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे तो समझाने का, नहीं होगा दोबारा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।